रिपब्लिक मतलब गणराज्य, अपन रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो अलोंग विथ बीइंग अ डेमोक्रेसी वी आर अ रिपब्लिक, अपन लोकशाही राज्य, अपना देश लोकशाही राज्य है, उसके साथ साथ में वो एक गणराज्य भी है। ऑल पब्लिक पोजिशन इन अ रिपब्लिक आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जितनी भी सार्वजनिक पोजिशन है या पद है वो लोगों के द्वारा ही मतलब इलेक्टेड पीपलों द्वारा ही भरे, मतलब वहाँ जो भी व्यक्ति है वहाँ उनका सिलेक्शन किया जाता है। नो पब्लिक पोजिशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिक ऑफ हेरिडिटरी सेक्शन, तो वंश परंपरागत ऐसे पदों के ऊपर लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती। द पोजिशन लाइक द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, द मेयर एंड मेयर, द सरपंच एक्सेट्रा, तो जो पब्लिक पोजीशन है वो कौन से इसमें आते बताए, यहाँ प्रेसिडेंट अपने देश के जो राष्ट्रपति है, अपने देश के पंत प्रधान, अपने देश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच, इनको ये सारे इनकी सारे लोगों की नियुक्ति लोगों के द्वारा इलेक्टेड पीपलों के द्वारा ही होती है। तो एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब एज क्राइटेरियन कैन गेट हिमसेल्फ हरसे इलेक्टेड टू एनी दिस पोजिशन, तो इन पोजिशन के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी मतलब भारतीय नागरिक जो इसमें जो भी कंडीशन बताई गई है उन कंडीशन को पूरे करते हुए ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और सभी को इसका अधिकार है। जो वहाँ शर्तें बताई गई है वो शर्तों को अपने को पूरा करना पड़ता है और वो डॉक्यूमेंट्स अपने को जमा करना पड़ता है। इन अ मोनार्शी दिस पोजीशन मे बी ऑक्युपाइड बाय मेंबर्स ऑफ अ सिंगल फैमिली फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, तो मोनार्शी में क्या रहता है, राज्यशाही में जो ये जो सार्वजनिक पद रहते हैं ये एक ही सिंगल फैमिली के मेंबर्स के द्वारा ही फिलअप किए जाते हैं। जैसे राजा के फैमिली में फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में मोनार्ची है, तो वहाँ एक ही परिवार के लोग राजा बनते हैं और उन्हीं के द्वारा वहाँ का शासन चलाया जाता है। द प्रीएम्बल हैज गारंटीज द इंडियन सिटीजन द थ्री वैल्यू ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, तो अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भारतीय नागरिक को तीन मतलब चीजों का एक ये चीजें तुमको मिलेंगी या इन चीजों को तुमको फॉलो करना है ऐसा बताया गया। कौन से देखो, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वेलिटी, न्याय मिलेगा आपको, आपको स्वतंत्रता मिलेंगी और समता, इन तीन चीजों का यहाँ उल्लेख किया गया। इट हैज एंजॉइंग अपॉन द इंडियन सिटीजन टू प्रैक्टिस दिस वैल्यू एंड मेक लॉ इन कीपिंग विद दिस वैल्यूज, लेट अस अंडरस्टैंड दिस वैल्यू, तो अपने को अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से ऐसे हमी देने में आई है कि लोगों के लिए वेलफेयर के लिए जो लॉ बनाए जाते हैं या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनमें इन तीन चीजों को फॉलो करके ही वो चीजें वो लॉ बनाए जाएंगे करके। तो इन वैल्यूज के बारे में अपन थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है अपना जस्टिस, न्याय क्या को बोलते हैं, जस्टिस एम्प्लॉयज रिमूवल ऑन अनजस्टिस एंड द इंश्योरिंग दैट एवरीबडी हैज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस, तो अन्याय को दूर करना में न्याय होता है, उसके साथ साथ में हर व्यक्ति को उसकी प्रोग्रेस करने की अपॉर्चुनिटी, उसको संधि मतलब वो उपलब्ध करा देना चाहिए कि हर ऐसा नहीं कि तू मतलब दूसरे कास्ट का है या दूसरे धर्म का है तो तेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ऐसा नहीं है। अपने स्कूल में भी अपन एडमिशन देते समय कभी भी इन चीजों को मतलब मायना नहीं देते, अपन हर धर्म के लोग हर किसके लोग अपने स्कूल में एक साथ में बैठ के पढ़ते हैं, तो इसी तरह देश में भी होता है। हैज द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोग्रेस मतलब हर व्यक्ति को अपनी प्रोग्रेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी उपलब्ध कराई जाती है। स्टेबलिंग जस्टिस इज अडॉप्टिंग सच पॉलिसीज दैट विल प्रमोट पब्लिक गुड, थ्री टाइप्स ऑफ जस्टिस आर टॉक ऑफ इन द प्रेम्बल, दे आर एज फॉलो, तो ये न्याय स्थापन करते समय पब्लिक के अच्छे मतलब हित के लिए पॉलिसीज बनाई जाती है, और इसमें तीन तरह के जस्टिस के बारे में अपने को बताया है अपने प्रीएम्बल में, तो वो अपन नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट है अपना सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग इंडिविजुअल ऑन द बेसिक ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, प्लेस,
अब बर्थ आर सिक्स, तो यहाँ बताया गया कि अपन व्यक्तिगत मतलब व्यक्ति व्यक्ति में या नागरिकों में कास्ट के आधार पे, धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, उसके जन्म के ठिकान के आधार पे या उसके सेक्स के आधार पे अपन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। इसीलिए लेडीज और जेंट्स को सर्विस में सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, पेमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एज ह्यूमन बीइंग्स आल हैव द राइट टू द सेम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट द सेम स्टेटस। तो लोगों को समान दर्जा, समान मान मिलने का और समाज में समान जीने का अधिकार अपने को कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। अगर कोई ऐसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन करता है तो उसके ऊपर मतलब कार्रवाई की जाती है। बी है इकोनॉमिक जस्टिस। अभी आर्थिक न्याय किस तरह स्थापित किया जाता है या ये कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में देखते हैं। पॉवर्टी लीड्स टू द इविल्स ऑफ हंगर, हंगर डेट्स आर द माल नरिशमेंट। तो गरीबी और भुखमरी, जो कुपोषण है, ये तीन चीजें इकोनॉमिक जो जस्टिस है इसमें इसको स्थापन करने में बाधाएं लाती है। तो ई पॉवर्टी इज टू बी इरिडिक्टेड। एवरी वन शुड हैव द राइट टू अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड सो एज टू लुक आफ्टर वन सेल्फ एंड वन फैमिली। तो अगर गरीबी दूर करना है तो अपने को समाज में रहने वाले, देश में रहने वाले हर व्यक्ति को खुद का और अपने फैमिली का पालन पोषण करने के लिए उसको अर्निंग के सोर्सेस अवेलेबल करके देना पड़ेगा। और अगर अर्निंग के सोर्सेस गवर्नमेंट ने अवेलेबल करके दिया तो ये गरीबी दूर हो जाएगी। अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन दिस राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। और अपने भारतीय संविधान ने ये जो अधिकार है सभी नागरिकों को दिया है और इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। सी है पॉलिटिकल जस्टिस, राजकीय न्याय। तो वी हैव अडॉप्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू अनेबल इक्वल पार्टिसिपेशन इन द रनिंग ऑफ द कंट्री। अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन्स कंप्लीटिंग 18 इयर्स ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो हर भारत का हर व्यक्ति देश के इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। इसलिए क्या किया है अपने भारत के संविधान ने प्रौढ़ मतदान पद्धति का अवलंबन किया है। और इसकी वजह से क्या होता है जो इलेक्शन में अपन इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं भारत के नागरिक होने के बाद ये अपने को राइट्स मिलता है। तो इसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है, अपने एज की जो भारत के नागरिक रहते हैं उनको अपने एज के 18 इयर्स कंप्लीट करना पड़ता है। फिर वो देश के कोई भी राज्य में रहते होंगे, कोई भी गाँव में रहते होंगे तो भी उसका वोटिंग का अधिकार कोई छीन नहीं सकता। तो इस तरह मतलब राजकीय न्याय स्थापित किया गया है। सेकंड पॉइंट है अपना लिबर्टी। अपन ने फर्स्ट में क्या देखे थे जस्टिस, तो जस्टिस के सब पॉइंट देखे अपने, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड थर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस। अभी अपने को लिबर्टी देखना है। लिबर्टी मीन्स होता है स्वतंत्रता। तो लिबर्टी इम्प्लॉयज दैट देयर शुड बी नो कर्क्यू, अनफेयर रिस्ट्रिक्शन अपॉन अस एंड दैट देयर शुड बी एंड एटमोस्फेयर कंडक्टिव टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर द इनहेरेंट कैपेसिटी। तो स्वतंत्रता मीन जबरदस्ती नहीं है और कोई बंधन नहीं है। तो इसके लिए स्वतंत्रता मीन्स ऐसा एटमॉस्फेयर, अपने को पोषक एटमॉस्फेयर ऐसा गवर्नमेंट को बोलो अपना देश के नागरिकों के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना पड़ता है कि जिन उनमें जो जन्मजात कैपेसिटीज रहती है, योग्यता रहती है, तो उनका वो डेवलपमेंट कर सके। और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय लिबरली। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम मैच्योर ओनली इफ सिटीजन एंजॉय फ्रीडम। तो लोक सेवा में लोगों को ये स्वतंत्रता का अनुभव करने मिलता है। और इनफैक्ट इसी की वजह से अपनी लोक सेवा क्या होती है, स्वतंत्र लोग स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। और इसी वजह से अपनी लोक सेवा और क्या होती है, स्ट्रांग होती है। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज द मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर एन इंडिविजुअल। तो हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने का, अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मूलभूत अधिकार अपने को अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। एवरी वन इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यू एंड ओपिनियंस, गिव एंड टेक अप आइडियाज, इंस्टेंस द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, द यूनिटी अमॉन्ग अस। तो
हर किसी को अपने ओपिनियंस और अपने व्यू एक्सप्रेस करने का अधिकार मिला है, और अपन एक दूसरे के आइडियाज मतलब समझते हैं, और इसकी वजह से अपने भारतीय लोगों में बोलो या अपने समाज में क्या एक दूसरे का सहयोग करने की जो फीलिंग्स है वो डेवलप होती है, और अपने देश की यूनिटी बढ़ती है। सिमिलरली इट आल्सो एनेबल्स टू अंडरस्टैंड द वेरियस डायमेंशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। और इसकी वजह से अपन क्या करते हैं, कोई कोई एक प्रॉब्लम की अलग अलग बाजुएं समझ के अपन उस प्रॉब्लम के ऊपर मतलब उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। द लिबर्टी ऑफ बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एम्प्लॉयज रिलीजियस फ्रीडम। अभी ये स्वतंत्रता अपने को धार्मिक स्वतंत्रता भी मिली है। तो जिस व्यक्ति का जिस धर्म के ऊपर विश्वास है तो वो अपने श्रद्धा के अनुसार अपने विश्वास के अनुसार अपनी मतलब वर्शिप कर सकता है। एवरी इंडियन सिटीजन इज फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजियंस और द रिलीजियंस ऑफ देयर चॉइस। तो हर व्यक्ति को अपने जो भी उसने धर्म अपनाया है उसकी जो भी वहाँ टीचिंग्स बताई है उसको डेवलप करने का उसका प्रसार करने का अधिकार मिला है। इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड द फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप। तो उस धर्म में जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उस फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अपनी विचारधारा को और डेवलप करने का उसको अधिकार मिला है।